इस हिसाब से 3 दिन से बारिश का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि आज हम चालू भी नहीं कर पाएंगे, पर माँ की कृपा से चालू भी हो गया और आप देख रहे हैं कि पूरा ग्राउंड फुल है, तो पब्लिक में बहुत उत्साह है और बहुत सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोग आए हैं आज। परसों बारिश जब हुई थी हाँ 26 तारीख तक बारिश आएगी और बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी ऐसा अनुमान दिया था, लेकिन हमने तो माँ को बोला था कि माँ तुम्हारे सारे भक्त साल से इंतज़ार करते हैं तो बारिश ना आए, और माँ ने बारिश रोक दी। आप भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ये जो कहाँ से मतलब लेते हैं अंदर से, इस उम्र में भी इतनी सारी एनर्जी आपके अंदर? बस माँ की कृपा से ही एनर्जी आती है, बाकी कहाँ से आएगी एनर्जी। प्रीति पिंक की अमेजिंग सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है और मेरे हिसाब से तो आज के तारीख में नंबर वन सिंगर वही है नवरात्रि में। फाल्गुनी भी अच्छा गाती है पर प्रीति पिंक इज द बेस्ट। यहाँ पे काफ़ी लोग गोरियल्स हैं हमारे खास करके, प्रीति पिंक भी है, फाल्गुनी भी है, मूसा भाई भी है, टिकट के हिसाब से लगता है कि क्या आप बोलते हैं वो लगता है कि नहीं? टिकट में तो ऐसा है कि फाल्गुनी के पास 4,000 रुपये में बिकते हैं सीजन के पास, कोरा केंद्र नीलेश ठक्कर के जो पास है वो 3-3.5 हज़ार में बिकते हैं, और हमें तो पैसों का नुकसान करना है, कमाना ही नहीं है, तो हम तो लोगों को जो भाव में चाहिए पास ले जाए लेकिन माँ के दरबार में आके सब एंजॉय करें, ये हमारी भावना है। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत माँ की भक्ति करें और सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू।